और घर जाने की जिद, जी हाँ, इन मजदूरों की। और ये एक जगह से नहीं, कई जगहों से सामने आई। अंबाला की भी अब हम आपको खबर दिखाएंगे, जहां पर दिल्ली हाईवे पर आज तमाम मजदूर यहां पर इकट्ठा हो गए। और यहां पर मीनाक्षी कुछ ऐसी ही तस्वीर जो गुजरात में हमने देखी, जो हमने कठुआ में देखी, ऐसी तस्वीर देखने को मिली। ये मजदूर पैदल ही मंजिल की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोका, सख्ती की, लाठियां भी इन पर चलाई। लेकिन नेहा, ये अपने आप में ऐसा चुनौतीपूर्ण समय है कि कैसे इसे मैनेज किया जाए, पुलिस के स्तर पर जो लोग जा रहे हैं उन्हें कैसे मदद दी जाए, समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिन्हें वेतन नहीं मिला है, कई ऐसे हैं जिन्हें आधा वेतन दिया गया है, जैसा कि कठुआ में हमने देखा। अंबाला में ये मजदूर समझ नहीं पा रहे हैं कि घर कैसे पहुंचे, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो सीमित हैं और सीमित रास्तों पर चल रही हैं। पुलिस के सामने मजदूरों को रुकना पड़ा है, कैमरे पर मजदूरों का दर्द भी किस तरह से छलका ये भी हमने आपको दिखाया, लेकिन तस्वीरें दरअसल दर्द भरी और परेशान करने वाली हैं। भूखमरी आ गया सर, खाने कुछ नहीं मिला, हम लोग बहुत परेशान ठीक ठाक होते थे, हम ऐसे नहीं आते सर, पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला, अपने पैरों में बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाएंगे, अब गोली लग जाएगा, मर जाएंगे, बाकी हम नहीं जाएंगे लुधियाना, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे सर, हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर, तीन तीन दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे, एक एक रुपए, जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था, बताइए एक डेढ़ महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता सरकार।